दिस बुलेटिन इज स्पॉन्सर्ड बाय कौटिल्य एकेडमी रीवा। समाजवादी नेता त्योथर विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहे स्वर्गीय रामलखन सिंह की 13वीं पुण्यतिथि उनके संघर्ष के साथियों शुभचिंतकों ने स्थानीय ऋतुराज पार्क रीवा में मनाकर उनकी प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता मीसाबंदी बृहस्पत सिंह रहे तथा अध्यक्षता मीसाबंदी रामेश्वर सोनी ने किया। संघर्ष के साथियों शुभचिंतकों में प्रमुख रूप से मीसाबंदी महेश्वरी त्रिपाठी पूर्व अध्यक्ष अधिवक्ता संघ वीरेंद्र सिंह बघेल समाजसेवी मास्टर बुद्धिसेन पटेल बद्री प्रसाद कुशवाहा कुमार सिंह रामजीत सिंह शोभनाथ कुशवाहा तेजभान सिंह अजय पांडे पप्पू कनौजिया रमेश पटेल फौजी मयंक सिंह संजय पटेल कमल भान सिंह राजेश साकेत आदि उपस्थित रहे। मीसाबंदी बृहस्पत सिंह ने कहा कि 17 मई 2009 को रामलखन सिंह हम सबको छोड़कर चले गए, लेकिन उनके विचार आज भी जिंदा हैं। वह किसानों मजदूरों की आवाज थे। विंध्य क्षेत्र से ज्यादा टीकमगढ़ छतरपुर निवाड़ी बुंदेलखंड इलाकों में अधिक लोकप्रिय थे, जहाँ उनके बहादुरी संघर्ष नैतिकता की चर्चाएं आज भी होती हैं। मीसाबंदी रामेश्वर सोनी ने कहा कि रामलखन सिंह आपातकाल में 19 महीने जेल में रहे, लेकिन माफी नहीं मांगी, जबकि आरएसएस के लोगों ने लिखित में माफी मांगने का काम किया था। उनका समूचा जीवन संघर्ष में रहा, कभी भी सांप्रदायिक ताकतों एवं सिद्धांतों से समझौता नहीं किया, उनको इसी तरह हमेशा याद किया जाता रहेगा। कार्यक्रम का आयोजन उनके शिष्य किसान नेता शिव सिंह ने किया। हम सब लोग बहुत कम उम्र के थे, हम लोगों से कई बार कहा गया कि तुम लोग भी माफी मांग लो, बहुत छोटी उम्र 17 साल की उम्र है, छूट जाओ, पढ़ाई लिखाई करो। पर राम लखन सिंह जी और हमारे सारे समाजवादी साथी किसी एक ने माफी नहीं मांगी, जबकि आरएसएस और तब की जनसंघ जो आज भाजपा है तब की जनसंघ के लोगों ने 100-100 बार माफी मांगा। और जब जमीन का हुआ एक आंदोलन यहाँ चला था समाजवादियों का, बांट दो जमीन जो जोत के खिला सके और बांट दो मशीन जो उसे चला सके, आंदोलन हुआ था। सीता प्रसाद और वो प्रेमलाल भार्गव जोशी यहाँ सतवान सिंह की जमीन में किए थे, हम लोग साथी जो वगैरह तलैया नाम में किए थे, ये हरदी में है, और राम लखन सिंह ने नलई के साथ में किए। वो जमीन बटी थी कुछ जगह, कुछ जगह नहीं बटी, तो माने जो उस समय नारा देते थे उस नारे का क्रियान्वयन करने के लिए, उसके संघर्ष करने के लिए हमेशा तैयार रहा। अब बड़े वृतांत है लंबे काले जो के अनशन अनशन के, वो मैं छोड़ता हूँ, अब इमरजेंसी के समय आता। इमरजेंसी के पहले जमुना शास्त्री की दूसरी आँख जो एक गोवा में चली गई थी, दूसरी आँख की जो चली गई वो बिलासपुर में, वहाँ मजदूरों ने विद्याचरण जी का जो उनका संघर्ष था उसके बारे में विंध्य क्षेत्र सहित तमाम बुंदेलखंड और इधर छतरपुर पन्ना में तमाम उनके प्रेमी आज भी जो है उनका नाम लेते हैं। तो इसी कड़ी में आज पुण्यतिथि अवसर पर बतौर मुखिया परम सिद्धे मीसाबंदी राजा बृहस्पत सिंह जी यहाँ मौजूद हैं, हम उनसे निवेदन करेंगे जाएं और हम सबको उनके विचारों के बारे में उनके संघर्ष के बारे में बताएं। क्योंकि दादा लगातार लंबे समय तक जो है उनको मार्गदर्शन देते रहे हैं, ये ज़रूर है कि वो बहुत कम उम्र में हमारे बीच से चले गए, इसकी भरपाई नहीं हो सकती, लेकिन उनके संघर्ष आज भी जिंदा हैं। मैं दादा बृहस्पत सिंह जी से चाहूँगा कि आएँ और उनके बारे में, उनकी जीवनी के बारे में, संघर्ष के बारे में हम लोगों को बताने का। और जब जमीन का हुआ एक आंदोलन यहाँ चला था समाजवादियों का, बांट दो जमीन जो जोत के खिला सके और बांट दो मशीन जो उसे चला सके, आंदोलन हुआ था। सीता प्रसाद और वो प्रेमलाल भार्गव जोशी यहाँ सतवान सिंह की जमीन में किए थे, हम लोग साथी जो वगैरह तलैया नाम में किए थे, ये हरदी में है, और राम लखन सिंह ने नलई के साथ में किए।
जमीन बटी थी कुछ जगह, कुछ जगह नहीं बटी। तो माने जो उस समय नारा देते थे उस नारे का क्रियान्वयन करने के लिए, उसके संघर्ष करने के लिए हमेशा तैयार रहा। अब बड़े वृतांत है लंबे काले जो के अनशन अनशन के, वो मैं छोड़ता हूँ। अब इमरजेंसी के समय आता, इमरजेंसी के पहले जमुना शास्त्री की दूसरी आँख जो एक गोवा में चली गई थी, दूसरी आँख की जो चली गई वो बिलासपुर में, वहाँ मजदूरों ने विद्याचरण जी का